तब तक पटना छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आप लोगों से एक सब सामने अल्टीमेटम आएगा कि गर्दन महासंघ जिंदाबाद, वार्ड एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। इस समय सीधे पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना में वार्ड सदस्य पटना गर्दनी बाग में जम गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक गर्दनी बाग नहीं छोड़ेंगे। गेट भले ही सरकार बंद करके रखे, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रखेंगे। संख्या लगातार वार्ड सदस्यों की बढ़ती जा रही है। वार्ड सदस्य जिंदाबाद, वार्ड सदस्य जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं, गूंजने लगे हैं। लगातार वार्ड सदस्य पटना गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के समक्ष अपनी मांगों को मजबूती से रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको बता दें कि 26 बिहार के 26 जिलों के जिला अध्यक्ष वहां पहुंच चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाजें बुलंद करना शुरू कर चुके हैं, संबोधित कर रहे हैं वार्ड सदस्यों को। वार्ड सदस्य उन्हें तालियां और जयकारा लगाकर, नारे लगाकर उन्हें उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल गर्दनी बाग गेट के बगल में ही वार्ड सदस्य अपनी मांगों के लेकर धरना पर बैठे हुए हैं और उन्होंने साफ शब्दों से कह दिया है सरकार से कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक यहां से हटने वाले नहीं हैं, जमे रहेंगे चाहे जो हो जाए। तो बिल्कुल जो वार्ड सदस्य वहां पहुंचे हुए हैं, धरना को काफी सफल बनाने में लगे हुए हैं और जो अभी भी घर पर हैं वह पटना पहुंचने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आप जहां कहीं भी हो सपोर्ट कीजिए वीडियो को। वीडियो के कमेंट में जरूर अपनी वार्ड सदस्य की जीत को लेकर कमेंट कीजिए ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे। और अब तक हमारे चैनल को, जो कि लगातार आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने संगठन वार्ड सदस्य संघ को आप सपोर्ट कीजिए, मजबूती प्रदान कीजिए ताकि आपके मान सम्मान वापस मिल सके। तो आप अपनी मान सम्मान के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आप पटना की धरती पर पहुंचे हुए हैं। जो घर पर हैं वह पटना पहुंचे और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखें। तो पटना में इस समय जबरदस्त वार्ड सदस्यों की भीड़ हो गई है। वार्ड सदस्य चिल्ला कर अपनी मान सम्मान की रक्षा और मान सम्मान की मांग कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से। वार्ड सदस्यों के खिलाफ में जो पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का बयान आया था, उसी समय से वार्ड सदस्य भड़क गए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था। हालांकि यह पूर्व से ही निर्धारित कार्यक्रम थी, लेकिन खुलिया में ऐलान किया था कि 20 नवंबर 2022 को पटना की धरती को वार्ड सदस्य भर देंगे। और बिल्कुल वार्ड सदस्य पटना के गर्दनी बाग में दम जम गए हैं। संख्या काफी अधिक है, उन्हें और जोश देने की जरूरत है। तो आप जहां भी हैं आप उन्हें जोश भरिए। तो इस तरह से वार्ड सदस्य अपनी मांगों को लेकर, जो कि अब तक उन्हें चुनाव के बाद नहीं मिल पाया है, सरकार के समक्ष अपनी मजबूती से बात रख रहे हैं। देखिए इस वीडियो को कि किस प्रकार से वार्ड सदस्य अपनी बातों को रख रहे हैं। तो दोस्तों, चलते चलते फिर मैं कहूंगा कि आप भूलिए नहीं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपकी बातों को, आपकी मांगों को मजबूती के साथ सरकार तक पहुंचाने का काम करें। देखिए इस वीडियो क्लिप को। तब तक पटना छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए आप लोगों से एक शब्द सामने अल्टीमेटम आएगा कि गर्दनी बाग छोड़ देने के लिए। आप लोग एक ही शब्द में कहिएगा कि जब तक अधिकार मिलेगा नहीं तब तक पटना। हम लोग आज जिलाध्यक्ष महोदय सब लोग एकत्रित हो जाएं, हमारे 3800 जिला के, बिहार प्रदेश के सभी सम्मानित वार्ड सदस्य संघ के जिलाध्यक्ष आज उपस्थित हैं। निश्चित रूप से हमारा संघ एकजुट है और एकजुटता का हम लोग परिचय दे रहे हैं। और आज इस पाटलिपुत्रा की धरती पर हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश चौधरी जी को मनोनीत करते हैं। वार्ड महासंघ जिंदाबाद, वार्ड एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जिंदाबाद।
जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, कृपया जो जिलाध्यक्ष हैं अपना एक सूची नाम बता दीजिए, एक सूची बना कर। मैं औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष महोदय से सभी वार्ड सदस्य से
द्वारा 9 सूत्री मांगों को रखा गया है। जब तक पूरी मांगे नहीं की जाएगी, हमारा कैमूर जिले के सभी वार्ड सदस्य पूरे बिहार के वार्ड सदस्य यही कहना चाहेंगे, ये पट्टा का गदरी पार्टी हमारा मांग पूरी नहीं की जाएगी। वार्ड जिला अध्यक्ष राजू पासवान कैमूर जिला माँ मुजफ्फर के तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमारी मांग बिहार सरकार की पंचायत राज मंत्री नितिन कुमार जी अगर पूरा नहीं करते हैं तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। जब तक साथ रहेगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ मुंडेश्वरी की धरती से निश्चित रूप से यहाँ जो सहयोग मिला है यह काबिले तारीफ है। और सर वहाँ पर सर एक घंटा में जाइए, हमारे सहरसा के एक घंटा में जाइए जूता तोरे कौन सम्मानित